तो मैं हरेंद्र बड़ी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो फन में। जी हां लोगों, आपने जो हमें प्यार दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। और जल्दी से 500 सब्सक्राइबर हमारे पूरे कर दीजिए। नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस कीजिए और पास में जो बेल आइकन आए उसे भी दबा दीजिए। इससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए नज़र डालते हैं आज की टेक न्यूज़ पे। तो सबसे पहला अपडेट हमारे पास निकल के आता है भैया एप्पल के एयरपोर्ट को लेके। और भैया इसके बारे में ये माना गया है कि ये 100% 10 में से 10 नॉन रिपेयरेबल है, ये रिपेयरेबल नहीं है, इनकी रिपेयरिंग नहीं हो सकती। यदि आपके वारंटी टाइम में ख़राब होते हैं तो आपको रिप्लेस करके दिए जाएंगे, यदि आपका वारंटी टाइम ख़त्म हो चुका है तो आपको नए खरीदने पड़ेंगे, यानी ये रिपेयर नहीं हो सकते। अगले अपडेट की बात करें तो अगला अपडेट हमारे पास निकल के आता है भैया इंटेल की तरफ से, इंटेल के जियोन सेकंड जनरेशन प्रोसेसर को लेके जो आ चुका है मार्केट के अंदर। अगले अपडेट की बात करें तो कुछ लीक हमारे सामने निकल के आया है आसूस के जेनफोन 6Z को लेके, और इसके बारे में कुछ स्कोर इसके देखने को मिले हैं, कुछ लीक्स इसके सामने आए हैं जो आप चेक कर सकते हैं। अगले अपडेट की बात करें तो अगला अपडेट हमारे पास निकल के आता है लिनोवा के फोल्डिंग फ़ोन्स को लेके। तो भैया लिनोवा ने भी अपने फोल्डिंग फ़ोन्स के डिज़ाइन जो है वो पेटेंट करवा लिए हैं, और ये जो फ़ोन है ये पीछे की तरफ फोल्ड होगा। जैसे इस तरीके से आपका फोल्ड है तो यहाँ से नीचे से पीछे की तरफ जो है इस तरीके से ये फोल्ड होगा। तो भैया देखो अब फोल्डिंग फ़ोन अजीब व गरीब तरीके के नए नए फोल्डिंग फ़ोन आ रहे हैं। कोई साइड से डुअल फोल्ड होता है, कोई सिंगल फोल्ड होता है, कोई ऐसे फोल्ड होता है, कोई ऐसे फोल्ड होता है। देखते हैं आगे हमें और किस किस ब्रांड के अंदर फोल्डिंग फ़ोन देखने को मिल सकते हैं। अगले अपडेट की बात करें तो भैया अगला अपडेट हमारे पास निकल के आता है शाओमी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। शाओमी का एक वाटर प्योरीफायर जो है वो लॉन्च किया है, और इसके अंदर भैया स्मार्ट वाटर प्योरीफायर है। तो शाओमी ने सारी चीज़ लिया है, वैक्यूम क्लीनर हो, जूते हो, मोबाइल हो, टीवी हो, सब कुछ शाओमी ने लिया है। तो वाटर प्योरीफायर भी शाओमी ने ले लॉन्च कर दिया। अगले अपडेट की बात करें तो अगला अपडेट हमारे पास निकल के आता है भैया एवेंजर एंड गेम को लेके। तो भैया ये जो मूवी है ये लॉन्च होने वाली है वैसे तो 26 अप्रैल को, लेकिन जो इसकी प्री बुकिंग टिकट बुकिंग जो वेबसाइट थी वो वेबसाइट क्रैश हो चुकी हैं। इतना ज़्यादा ट्रैफिक इस इन वेबसाइट के ऊपर एक साथ रहा है US के अंदर। तो इस मूवी के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या आप इस मूवी को देखना पसंद करेंगे, और क्या आप भी इस मूवी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। इसकी लॉन्च डेट ये जो मूवी जो है रिलीज होगी वो होगी 26 अप्रैल को। अगले अपडेट की बात करें तो अगला अपडेट हमारे पास निकल के आता है सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 को लेके। जी हाँ भैया, सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 है वो दो डिजाइन के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। एक थोड़ा सा साइज में छोटा होगा और एक साइज में बड़ा होगा। तो भैया छोटे वाला कितना छोटा होगा और बड़े वाला कितना बड़ा होगा, इसके बारे में कोई अपडेट अभी तक नहीं है। अगले अपडेट की बात करें तो अगला अपडेट हमारे पास निकल के आता है भैया फेसबुक को लेके। फेसबुक के ऊपर जो स्कैम होते हैं, तो भैया फिलहाल जो है सबसे ज़्यादा चल रहा है कि टैक्स भरने का टाइम आ चुका है। ये ज़्यादातर वैसे तो US के अंदर है, तो आप ये सर्विस लीजिए इससे आपको टैक्स के अंदर छूट मिलेगी, ये सर्विस लेंगे इससे इतनी टैक्स में छूट मिलेगी, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है, कोई टैक्स के अंदर छूट नहीं मिल पाती। अगले अपडेट की बात करें तो भैया अगला अपडेट हमारे पास निकल के आता है ओप्पो रेनो को लेके। ओप्पो रेनो जो लाइट है वो देखा गया है, जिसके अंदर हमें रेयर के अंदर ड्यूअल कैमरा सेटअप हमें देखने को मिलेगा, और इसके अंदर जो है S2S डिस्प्ले होने वाली है, कोई नोज इसके अंदर नहीं होने वाला है, इसके अंदर जो है टिल्ट कैमरा डिज़ाइन हमें देखने को मिलेगा। अगले अपडेट की बात करें तो अगला अपडेट हमारे पास निकल के आता है भैया OnePlus 7 को लेके। कुछ एक जो है इसका केस सामने आया है, जिसके अंदर हमें इसके अंदर भैया शुरू से हम बता रहे हैं कि पॉपअप सेल्फी कैमरा इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा, रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप हमें देखने को मिलेगा, और इसकी जो सिम ट्रे है वो मोबाइल के नीचे की तरफ जो है मोबाइल की जो सिम ट्रे है वो लगेगी। अगले अपडेट की बात करें तो अगला अपडेट हमारे पास निकल के आता है MIUI को लेके, MIUI 11 को लेके। तो भैया शाओमी ने कहा है इसके अंदर वो एड्स को हैं जो वल्गर एड्स हैं उन्हें थोड़ा सा कट डाउन करेंगे, बंद करने के बारे में नहीं कहा, जी हाँ कट डाउन करने के बारे में कहा। यदि आप जो है UC ब्राउज़र वगैरह यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारी जो है वल्गर एड जो है इसके अंदर देखने को मिलती हैं। अगले अपडेट की बात करें तो अगला अपडेट हमारे पास निकल के आता है भैया नासा की तरफ से। जो नासा है वो प्लान कर रहा है 2033 तक जो है वो ह्यूमन को
मार्स के अंदर लेके जाने की, मंगल ग्रह पे जो है इंसान पहुंच पाएंगे 2033 में। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है, क्या आप भी जाना चाहेंगे मंगल ग्रह पे, कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताइए। और अगले अपडेट की बात करें तो अगला अपडेट हमारे पास निकल के आता है भैया व्हाट्सएप की एक नई प्राइवेसी को लेकर। जी हाँ, व्हाट्सएप के अंदर एक नया अपडेट आया है जिससे आप जो है अपनी प्राइवेसी सेटिंग के अंदर जाके सेटिंग ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको कोई भी ग्रुप में ऐड नहीं कर पाएगा, या फिर जो आपकी फ्रेंड में जो आपकी फ़ोन बुक में सेव नंबर है वही आपको ग्रुप में ऐड कर पाएंगे। इस तरीके के कुछ फीचर इसके अंदर दिए गए हैं। तो भैया ये एक बहुत ही अच्छी बात है, कोई भी आपको ग्रुप में ऐसे ही ऐड नहीं करेगा और आपको ढेर सारे मैसेज आपको नहीं देखने को मिलेंगे। अगले अपडेट की बात करें तो भैया अगला अपडेट हमारे पास निकल के आता है आईफोन के 2020 डिजाइन को लेके। तो भैया इसके अंदर जो है हमें तीन अलग अलग स्क्रीन के मोबाइल जो है, तीन अलग अलग स्क्रीन साइज के मोबाइल हमें देखने को मिल सकते हैं 2020 में। अगले अपडेट की बात करें तो भैया अगला अपडेट हमारे पास निकल के आता है रेडमी नोट 7 को लेके। तो भैया ये रेडमी ने कहा है कि वो रेडमी नोट 7 की 4 मिलियन यूनिट्स जो हैं वो शिप कर चुके हैं। तो आज की टेक न्यूज़ में इतना ही, आशा करते हैं आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, कुछ नया आपको इसके अंदर सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें आवश्यकता है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।